ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद हर तरफ मोदी मोदी का हल्ला है। होना भी जायज है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। लेकिन इन्हीं चुनावी नतीजों में आंध्र प्रदेश के एक नौजवान जगन मोहन रेड्डी ने भी नरेंद्र मोदी की ही तरह इतिहास रचा है। उसकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर जीत हासिल की है। बता दें, आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। इसमें वाईएसआर कांग्रेस ने जगन के नेतृत्व में 175 में से 148 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करते हुए पूरे प्रदेश को अपने सम्मोहन में कैद कर लिया है। लेकिन जगन ने ये विशाल जीत कैसे हासिल की, इसकी कहानी लंबी है। जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह 2004 से 2009 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता उस समय आंध्र प्रदेश में अपने चरम पर थी। कांग्रेस ने उनकी लोकप्रियता के दम पर ही प्रदेश की सत्ता में 15 साल के बाद वापसी की थी। इस दौरान उन पर और उनके पुत्र जगन पर भ्रष्टाचार के अनेक कथित आरोप लगे, लेकिन वाईएसआर की गाड़ी उसी स्पीड से चलती गई। साल 2009 में वाईएसआर रेड्डी की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। उनकी मौत पूरे आंध्रा के लिए एक बड़ी क्षति थी। सैकड़ों लोगों ने उनकी मौत के बाद सदमे में आत्महत्या करने की कोशिश की। ये घटना ही उनकी लोकप्रियता को सबके सामने रख देती है। उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए उनके पुत्र तत्कालीन सांसद जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी आलाकमान के सामने सीएम पद की दावेदारी पेश की, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग को नकारते हुए कोनी ज्योति रोशैया को मुख्यमंत्री चुना। ये जगन मोहन के लिए झटके जैसा था। जगन ने पार्टी से बगावत करते हुए 2011 में वाईएसआर कांग्रेस के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। ये कांग्रेस सरकार पर जगन का दबाव ही था कि मुख्यमंत्री कोनी ज्योति रोशैया को हटाकर जगन की जाति के किरण रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया। जगन ने पार्टी की स्थापना के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की कमर तोड़ना शुरू किया। जगन शुरू से ही आंध्र प्रदेश को विभाजित करने के खिलाफ रहे। 2014 का चुनाव आया और आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजों में राजनीति के नए सूरज का उदय हो गया। मोदी लहर के बावजूद जगन की पार्टी ने पहले चुनाव में ही राज्य की 25 में से 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया। वाईएसआर कांग्रेस ने विधानसभा की 67 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस का प्रदेश से सूपड़ा साफ हो चुका था। जगन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन वह जानते थे कि उनके लिए चुनौती तो अब शुरू होने वाली है। उन पर जनता के द्वारा जताए गए विश्वास पर खड़े होने का दबाव था। जगन उसी दिन से लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में जुट गए। प्रदेश की सत्ता पर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी काबिज थी। जगन अपनी पैनी नजर इसी पर रखते थे कि टीडीपी से कहां चूक हो रही है। बस जगन उसी दुखती रख पर हाथ रख देते। जगन मोहन रेड्डी ने प्रज्ञा संकल्प यात्रा के नाम से लगातार 431 दिन तक पद यात्रा की। वो इस दौरान आंध्र प्रदेश के हर हिस्से में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। अगर उनसे निदान हो सका तो तुरंत निदान किया। इस यात्रा ने उनको आंध्र प्रदेश में एक जन नेता की पहचान दे दी। वर्तमान लोकसभा और आंध्रा के विधानसभा चुनावों का परिणाम इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।